बुलंदशहर में रोड शो के दौरान आमने सामने आने पर प्रियंका अखिलेश ने किया एक दूसरे का अभिवादन। अखिलेश ने लिखा, दुआ सलाम तहजीब के नाम। प्रियंका ने लिखा, आपको भी राम राम। पश्चिमी यूपी में पार्टियों ने झोंकी ताकत। बुलंदशहर गाजियाबाद में अमित शाह का प्रचार, तो जयंत अखिलेश, प्रियंका, मायावती और ओबीसी ने भी मांगे वोट। 22 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे हम उतने ही एक होंगे। कोई भी अत्याचार हुआ है सिर्फ कांग्रेस ने, जनता की आवाज उठाई है, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही दलित विरोधी पार्टी रही है। अमरोहा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यूपी में कानून का शासन है इसलिए विकास योगासन कर रहा है। विकास योगासन कर रहा है, जब होगा कानून का शासन तब करेगा विकास योगासन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 5 साल के कामों का लेखा जोखा। कहा, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में कर दिखाया। उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं, 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कौशाम्बी की सिराथू सीट से भरा पर्चा। नामांकन के बाद रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुई। मेरा आज तो मां के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब मंदिर जाकर मत्था टेक रहे हैं, विकास का काम सिर्फ बीजेपी ने किया। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बुलंदशहर कांड के आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं, हाथरस में इंसाफ कब, बीजेपी के खिलाफ चल रही है हवा। चुनाव में मायावती की चुनौती पर अखिलेश ने कहा, अंबेडकर वादियों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि लड़ाई देश का संविधान बचाने की है। मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकर वादी भी साथ आए क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। चुनाव प्रचार के लिए बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली की। एसपी और कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी दलित विरोधी बताकर साधा निशाना। शुरू से ही हर मामले में यहां दलित आदिवासी वे अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रही है। और चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सीएम योगी की शिकायत की। कहा, आचार संहिता के मुताबिक भाषा की मर्यादा ना लांघे योगी, गर्मी ठंडा करने वाले बयान पर विवाद है। यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जारी किया चुनावी गाना। गाने के बोल, लोकदल पार्टी नहीं परिवार है। यूपी की जनता से संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, सरकार ने लिखित वादे तक पूरे नहीं किए। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का ऐलान 6 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे। ऐलान से पहले ही चन्नी के समर्थन में उतरे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। तो मैं समझता हूं इसमें कोई भी देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन इट। चकौर साहिब में प्रचार के दौरान सीएम चन्नी ने कहा, 6 फरवरी को राहुल गांधी सीएम चेहरे का करेंगे ऐलान, तब मैं रहूंगा राहुल के साथ। 6 तारीख को मुख्यमंत्री का चेहरा नौ सोना उदों एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाना। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बोली, पंजाब में मुख्यमंत्री कोई भी बने सिद्धू हीरो हैं और हीरो रहेंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू हीरो है, हीरो ही रहेगा, सीएम कोई भी होवे फर्क नहीं पैंदा। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हड़बड़ी में, हमारी पार्टी ज्वाइन ना करें लेकिन झाड़ू के लिए वोट जरूर करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं योगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज गोरखपुर दौरा। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर योगी के नामांकन के बाद गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे पश्चिमी यूपी के 5 जिले मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के लोगों को संबोधित करेंगे। 122 जगहों पर एलईडी के जरिए लाइव प्रसारण होगा। खराब मौसम के चलते उत्तराखंड के लोगों को नहीं करेंगे संबोधित। मिशन यूपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जालौन, उरई और कानपुर देहात में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी को छोड़कर एसपी में आए यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज भरेंगे पर्चा। पडरौना की जगह अब कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मौर्य। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा में चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज गाजियाबाद में घर घर प्रचार, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज अमरोहा में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिशन पंजाब, सुजानपुर और गुरदासपुर में चुनावी रैली करेंगे। गोवा के चुनावी रण में आज उतरेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सुबह 10:30 बजे घर घर प्रचार, 12 बजे प्रत्याशियों के साथ करेंगे बैठक। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक, स्कूल और जिम खोलने पर होगा मंथन, अभिभावकों ने की स्कूल खोलने की मांग। झारखंड में आज पहली से 12वीं तक के स्कूल्स खुलेंगे, ऑफलाइन होंगी स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। महाराष्ट्र के पुणे में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। इमारत गिरने के कारणों की जांच है जारी। देश में लगातार तीसरे दिन 2,00,000 से कम नए केसेस, 24 घंटे में 1,72,400 केसेस आए सामने, 1,800 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 96% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 73% लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। 14 दिन से कम हो रही हैं कोरोना के केसेस, सिर्फ 8 राज्यों में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। गेट की परीक्षा टालने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोविड की वजह से तारीख बढ़ाने की मांग पर कहा, 48 घंटे पहले परीक्षा टालने से भ्रम पैदा होगा, कल से होनी है परीक्षा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में हड़ताली डॉक्टर्स को टर्मिनेट का करना आदेश दिया गया। ईडीएमसी के महापौर बोले, मांग जायज है, टर्मिनेट नहीं, एब्सेंट करेंगे। डॉक्टर ने कहा, कर्ज लेकर गुजारा करने के लिए नहीं बने हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज़ ट्रस से बातचीत की। रोडमैप 2030 को लेकर समीक्षा हुई। रक्षा से जुड़े मुद्दों के अलावा यूक्रेन के हालातों पर भी बातचीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लैक्सन का दावा, गलवन में भारतीय सेना के साथ झड़प में चीन को हुआ था भारी नुकसान। चीन के 38 सैनिक नदी में बहे थे, लेकिन चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत कबूल की थी। जून 2020 में हुई थी झड़प। अमेरिकी हमले में मारा गया आईएस का प्रमुख अबू इब्राहिम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र ने भी खबर की पुष्टि की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।